Good morning, students. Today I teach you SST Standard First Chapter 13 Animals and Their Homes. Last class में हम लोग 12 chapter तक finish कर लिया था and जो आज का chapter है वो animals और उनके घर के बारे में, जानवर और उनके घर होते हैं और हम लोग रहते हैं वैसे जानवरों के भी घर होते हैं, तो उनके घर क्या होते हैं और सभी जानवर अलग अलग होते हैं और उनके घर भी अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे. So let's start. ओके सो ये आपका चैप्टर 13 है एंड यहाँ पर आपको ये पिक्चर देखना है. लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. यहाँ आप पूरा पिक्चर देखो और फिर इसके बाद में ये देखना है इसमें कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनके जो रहने का स्थान होता वो भी अलग अलग है. अलग अलग एनिमल तो उनके रहने का स्थान भी अलग अलग होता है. सो उन्हीं के बारे में देखते हैं. जैसे कि अभी ये देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ये नेस्ट का नेस्ट है जिसमें बर्ड रहती है. बर्ड मीन्स होता है चिड़िया. चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में. तो इसका जो रहने का स्थान है वो अलग है. फिर इसके बाद में अच्छा यहाँ पर आपको एक बर्ड पेस्ट करनी है. पेस्ट स्टिकर जहाँ लिखा है यहाँ पर. सो आपको यहाँ पीछे आपके बुक के लास्ट में देखना, सभी चैप्टर्स के लास्ट में वहां पे स्टिकर दिए वो आप पीछे से पेस्ट कर देना. ओके एंड मंकी जो है देखो मंकी यहाँ इस पे रहता है ट्री पे. और ये सांप भी अजगर है ये भी यहाँ पे रहता है. एलिफेंट है ये जंगल में ऐसे ही घूमते हैं. इनका कोई वैसा एक जगह रहने का नहीं है एंड जो ये जंगल में ही रहते हैं. जेरापी ऐसा ही है. और फिर यहाँ पे शायद स्क्वायरल होगी इस तरीके से. एंड ऑक्टोपस आपने देखा. और ये जो जीव है ये पानी में रहते हैं. बटरफ्लाई जो है वो पौधों पे रहती हैं, सॉरी फूलों पे रहती हैं. ओके और यहाँ पे एक स्टिकर पेस्ट करना. ओके अब नेक्स्ट है. सो अभी हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स देखे थे एंड उनके डिफरेंट होम प्लेस देखे थे, उनके डिफरेंट घर. सो वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर अलग या अलग अलग प्रकार के कई तरह के एनिमल्स को देखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. जिन सभी के डिफरेंट साइज होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं. सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं. एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं. ओके अब यहाँ पे देखना है आपको. ऑल एनिमल्स नीड केयर एंड प्रोटेक्शन. जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स को केयर की आवश्यकता होती है और प्रोटेक्शन की. मतलब सभी एनिमल्स चाहते हैं कि हमारी केयर हो, या वो खुद कुछ जो वाइल्ड एनिमल है वो अपनी केयर खुद करते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भी एनिमल्स रेडी रहते हैं. यहाँ पे ऑल एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. सभी एनिमल्स अलग अलग होते हैं. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं और उनका खाने का भोजन भी, जो भोजन करते हैं वो भी अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है. अब यहाँ पे ये एलिफेंट है, ये कह रहा है आई एम ए बिग एनिमल. ये कह रहा है मैं सबसे बड़ा मैं बिग जानवर हूँ. चूहा कह रहा है आई एम स्मॉल एनिमल. चूहा कह रहा है मैं छोटा जानवर हूँ. जो इंसेक्ट कह रहे हैं बी आर इंसेक्ट. इंसेक्ट कह रहे हैं कि हम सब कीड़े मकौड़े हैं. ओके नेक्स्ट यहाँ पे है. जस्ट लाइक मैन एनिमल्स ऑल्सो नीड ए होम और शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड. जिस प्रकार से या जैसे हम लोगों को ह्यूमन को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आश्रय की आवश्यकता होती है, अपने आप को हीट रेन एंड कोल्ड यानी गर्मी सर्दी और बारिश से बचाने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी घर की आवश्यकता होती है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेज. जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं वो डिफरेंट जगहों पर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं. सम लिव इन वाटर, और कुछ कहाँ पानी में रहते हैं. एंड सम लिव इन बोथ एंड ऑन लैंड एंड वाटर. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर, भूमि पर भी रह सकते हैं. ओके सो इसके बाद में हम लोग नेचुरल हाउस के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल होम्स क्या होते हैं? नेचुरल होम्स होते हैं सम एनिमल्स सच एज लाइन एलिफेंट बियर एंड जिराफ डू नॉट बिल्ड देयर होम. अच्छा जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लाइन है. लाइन आपने देखा होगा एक डैन में रहता है. अब ये क्या डैन बनाएगा? नहीं जाके, ये खुद नहीं बनाता है. ये अपने आप पत्थरों से पत्थरों से कहूँ, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं जो टूट जाती हैं या वहां से मिट्टी हट जाती है. इस टाइप से हॉल हो जाती है, खोखली हो जाती है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस होता है उसी में ये लाइन रहता है. अब ये खुद नहीं अपनी गुफा बनाता जाके. ओके ऐसे ही एलिफेंट है. एलिफेंट और जिराफ बियर ये भी अपने घर खुद नहीं बनाते हैं. दे फाइंड ए प्लेस टू स्टे इन. ये क्या करते हैं? ये बस अपने रहने के लिए स्थान ढूंढते हैं, इतना काम करते हैं. मोस्ट ऑफ देम लिव्स इन जंगल. इनमें से कुछ एनिमल्स हैं या बहुत एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं. अब ये कह रहा है आई एम द किंग ऑफ जंगल. शेर कह रहा है मैं जंगल का राजा हूँ. ये कह रहा है आई एम मोंटू मंकी.
मंकी, मैं मोंटू मंकी हूँ। मंकीज लिव्स ऑन ट्रीज, मंकी कहाँ रहते हैं, पेड़ पर, एंड दे लव बनानास, और उन्हें खाने में बनाना बहुत पसंद है। ए लाइन लिव्स इन ए डैन, लाइन जो है वो गुफा में रहता है, डैन में, मान में, ही ईट्स प्लस, और उसे जो मांस है वो बहुत खाना पसंद है। अब आपने देखा ये एनिमल्स तो हैं, ये इनके रहने का स्थान भी अलग अलग है, और ये स्क्वायरल देख रहे हैं ये भी पेड़ पर रहती है। एनिमल्स का स्थान भी अलग अलग है रहने का, और अलग अलग एनिमल्स भी हैं, और वो उनके जो फूड हैं वो भी अलग अलग हैं। ओके, सो ये आज हमने पढ़ा नेचुरल होम्स के बारे में। आगे और है इस चैप्टर